तो देखिए आज मैंने बनाया है मिर्च का अचार चटपटा। तो मिर्च का अचार तो किसे पसंद नहीं होता, आजकल सभी पसंद करते हैं। तो ये इसके लिए ना हमें बहुत मोटी वाली मिर्चें नहीं चाहिए और बहुत पतली वाली भी नहीं चाहिए। जो छोटी मिर्च होती है बहुत तीखी होती है, ये बीच के साइज़ की जो मिर्च आ रही है आजकल बहुत आ रही है ये वाली मिर्च, इसका अचार मैंने बनाया है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तीखी नहीं होती है और इजीली बच्चे भी खा लेते हैं इसको। तो और देखिए देखने में कितना अच्छा बनाया ना अचार, और इंस्टेंट अचार है ये। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि सब लोग अपने घर में खुश होंगे, मस्त होंगे और त्योहारों का मज़ा ले रहे होंगे। तो आइए चलिए चलते हैं रसोई की तरफ और बनाना शुरू करते हैं मिर्च का अचार। तो ये मैंने लिए हैं 250 ग्राम मिर्चें और मीडियम साइज़ की हैं ये, और इनको मैंने अच्छे से धो के और सुखा लिया है क्योंकि इनमें पानी नहीं रहना चाहिए बिल्कुल भी, मॉइस्चर अगर होगा तो ख़राब होने का डर रहता है। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इनके डंठल सारे तोड़ देंगे, और सारे डंठल टूट चुके हैं मिर्चों के और अब हमें इन्हें करना है कट। तो आप चाहें तो 2 पीस में भी कट कर सकते हो इन्हें, मैंने इनको बहुत बड़े पीसेज में नहीं किया है, छोटे पीसेज में ही कट किया है क्योंकि ना इस तरीके से कट करने से ना वेस्ट नहीं होता अचार। तो थोड़ा थोड़ा जितना खाना होता है उतना ले लिया जाता है प्लेट में। तो ये देखिए मैंने इस तरीके से इसको कट कर लिया है मिर्चों को बारे छोटे पीसेज में, और जब मेरी सारी मिर्चें कट हो गई थी तो मैंने इन्हें एक प्लेट में निकाल लिया और थोड़ी देर के लिए पंखे में रख दिया जिससे कि अगर थोड़ा बहुत मॉइस्चर हो इसमें तो वो भी इनका एब्जॉर्ब हो जाए। और इसके बाद हम चलिए करते हैं मसाले की तैयारी। तो मसाला बनाने से पहले मैं पहले तेल गरम कर लूँगी क्योंकि तेल को हमें पकाना होता है। तो ये मैंने सरसों का तेल ले लिया है और 2 कटोरी तेल लिया है मैंने, और इसको पका के छोड़ दूँगी ठंडा होने के लिए। और इधर हम ले रहे हैं मसाले, तो मसालों में मैंने लिए 2 चम्मच सौंफ और 1 चम्मच ली है मैंने काली सरसों, 1 चम्मच ली है पीली सरसों और 1/2 चम्मच लिया है मैंने मेथी दाना। तो ये सब चीज़ें भी मैं हल्की सी रोस्ट कर लूँगी पैन में क्योंकि थोड़ा सा डर रहता है कि इनमें हल्की सी नमी होती है कभी कभी अचारों में, तो बस इतना हमें रोस्ट करना है कि इनकी नमी इसमें से निकल जाए। नमी होगी ना तो अचार ख़राब होने का डर रहता है फिर। और ये ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी अब मैं इसको रोस्ट करके, और जब ठंडा हो जाएगा तो मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी। तो ये देखिए मेरे मसाले ये ठंडे हो चुके हैं, तो अब मैंने इनको ले लिया है अपने मिक्सर जार में और इनको मैं पल्स मोड पे हल्का सा ग्राइंड कर लूँगी जिससे कि ये दरदरा सा हो जाए बस। तो ये देखिए हमारा मसाला आप देख सकते हैं दरदरा हो गया है, और मुझे ऐसा ही चाहिए बिल्कुल अपने अचार के लिए। तो अब तेल भी ठंडा हो चुका है हमारा, तो चलिए चलते हैं तेल की तरफ। और अब इसमें से क्या करना है, मुझे 2 कटोरी तेल था तो 1 कटोरी तेल मैं इसमें से निकाल लूँगी क्योंकि ये पका के मैंने ठंडा कर लिया है, और इसको मैं ज़रूरत के हिसाब से ना धीरे धीरे बाद में ऐड करूँगी अपने अचार में। और अब बाकी का जो तेल है बचा हुआ उसमें मैंने लिया ये 1 चम्मच हींग, और हींग पाउडर बहुत ज़रूरी है अचार में, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है हींग। तो और हींग के साथ ही जो हमने मसाले पीस के रखे थे वो सारे मसाले मैं इसमें ऐड कर दूँगी और इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। अब ये सारे मसाले मैंने अच्छे से इसमें मिक्स कर दिए हैं, और अब हमें क्या करना है, अब हमें इसमें जो मिर्चें हमने कट करके रखी हुई हैं वो मिर्चें ऐड करके और इनको चलाना है। और गैस मैंने सिम कर रखी है और सिम गैस पे मैं इनको लगातार चलाती रहूँगी जिससे कि जले ना बस ये, और धीरे धीरे पकती रहे, और ढकना भी नहीं है क्योंकि ढकने से ना मॉइस्चर आ जाएगा, फिर ढक्कन पर आ जाता है मॉइस्चर। तो इनको ऐसी खुली गैस पर हम पलटते रहेंगे बीच बीच में, और इनका कलर जैसे ही चेंज हो जाएगा पता चल जाएगा कलर देख के कि हमारी मिर्चें अब तैयार होने वाली हैं। और इसमें मैंने थोड़ा सा सॉल्ट भी ऐड कर दिया है टेस्ट के हिसाब से, और देखिए मिर्च का कलर काफ़ी चेंज हो चुका है आप देख सकते हैं, और लगभग तैयार हैं अब ये, बस थोड़ी देर और मुझे पकानी है 2-3 मिनट और बस ये मेरा मिर्च का अचार रेडी हो जाएगा फिर। ये देखिए पक चुकी है, काफ़ी अच्छा कलर आ चुका है, अब इसको हम ठंडा करने के लिए छोड़ देते हैं पहले। और अब ये ठंडी हो गई हैं, और इसमें अब इस समय मुझे ऐड करना है, ये मैंने राई का पाउडर बना के रखा है, जो राई दाना होता है ना वो पीस के रखा था,
आधा चम्मच वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है, और साथ में मैं कर रही हूँ एक सर्विस स्पून विनेगर, जो वाइट विनेगर होता है वो हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा खट्टापन लाने के लिए। और अगर आपको इंस्टेंट अभी खाना है ना तुरंत के तुरंत, तो आप इसमें अमचूर पाउडर भी ऐड कर सकते हो। अगर एक दो दिन बाद खाना है तो खाली विनेगर सफिशेंट है इसके लिए। और अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे, और चूँकि अब ये ठंडा हो चुका है ना, अब इसको हम जार में पलट देंगे हाथ के हाथ। और इस अचार को धूप लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने बहुत अच्छे से पका लिया है इसको। तो अब ये मैं जार में कर दूँगी, और जार में करके इसको हम रख लेंगे खाने के लिए। तो देखिए कितनी जल्दी बन गया ना अचार, विद इन 15 मिनट ये अचार मेरा तैयार हो गया है। तो और देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है, और खाने में तो बहुत चटपटा बहुत मज़ेदार बनाया अचार ये। तो आप भी ज़रूर बनाइएगा दोस्तों, और मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपने अगर इस तरीके से बनाया तो आपके घर में सबको कैसा लगा ये अचार। और अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक आप एंजॉय कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को, और जो मेरी इसके साथ और रेसिपीज़ आई हुई हैं उनको भी एंजॉय कीजिएगा। तब मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।